नमस्कार दोस्त, आज तक आपने पनीर टिक्का, पनीर मलाई टिक्का और अचारी टिक्का तो खाया होगा, लेकिन आज हम यहाँ बनाने जा रहे हैं गुजरी टिक्का। यह पहाड़ी स्टार्टर होता है, इसके बारे में होटल रुद्राक्ष के शेफ रजनीश चौहान जी हमें बताएंगे। शेफ जी, क्या है ये डिश? नमस्कार, ये जो डिश है पनीर गुजरी टिक्का, अभी वेरिएशन ऐसा है खाने में, काफ़ी लोग जो तरह तरह की चीज़ें बनती है, लेकिन तो कॉमन सी हो गई है। अपन इसमें कुछ वेरिएशन डाल के, कुछ मसाले और स्पाइसेस नए डाल के और कुछ ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट करके ये चीज़ें अपन ने तैयार करके बनाते हैं, जो रिचनेस देता है फूड में अपने, प्लस एक टेस्ट डेवलप करता है, जो कि लोगों के लिए भी नया टेस्ट, जो लोग जनरली आजकल कहीं भी आप जाते हो तो लोग बोलते हैं कुछ डिफरेंट चाहिए, तो लोगों के हिसाब से भी कुछ डिफरेंट भी हो जाता है और एक नया टेस्ट डेवलप किया है हम लोगों ने, जो हम यहाँ पे रुद्राक्ष क्लब एंड रिसोर्ट में परोसते हैं, जो लोगों को काफ़ी पसंद भी आता है, क्योंकि इसमें पनीर होता है, ड्राई फ्रूट होता है, तो प्रोटीन का भी भरपूर सोर्स होता है। हाँ, वो सब चीज़ें भी खास करके इस सिटी के अंदर, उज्जैन सिटी के अंदर अभी मोस्टली पीपल्स दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ डाइट, कि अपने डाइट के ऊपर काफ़ी ख्याल रखते हैं कि नहीं, ज़्यादा रिचनेस नहीं खाना चाहिए या जो अपने शरीर को ये हो, तो वो सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें तैयार की जाती है और हम अपने गेस्ट को वो चीज़ें परोसते हैं, और जो काफ़ी पसंद भी की जाती है, जो लोग काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं हमारे खाने। चलिए बनाते हैं। चलिए, हमारे साथ हैं जसपाल सिंह जी रावत, ये हमें गुजराती टिक्का बनाना बताएंगे। जसपाल जी, क्या क्या लगता है इसमें? तो मेरा नाम जसपाल सिंह रावत, रिजॉर्ट। आज हम गुजराती टिक्का बना रहे हैं। इसमें लगेगा सर पनीर लगेगा, लेमन लगेगा, इसमें कैप्सिकम ऑनियन, इसमें गार्लिक जिंजर का पेस्ट है, कोरिएंडर है, ये जिंजर हो गया है, ग्रीन चिल्ली, कस्तूरी मेथी, ये चीज़ मशरूम हो गया, ये हैंगकट हो गया, ये काजू हो गया, ये काजू का पेस्ट बना रखा हमने, ये मस्टर्ड ऑयल है, उसके लिए कलर के लिए निकाल रहे हैं, इसमें हल्दी मिक्स कर रखा हमने। चलिए, सबसे पहले क्या करेंगे जसपाल जी? इसमें सबसे पहले सर ये हम दही, ये हैंकट डाल रहे हैं इसमें। दही को रात भर, मतलब 2-1 घंटे के लिए कपड़े में लगाएंगे, कड़क करना है। ये हैंकट इसको थोड़ा इसके में काजू का पेस्ट, काजू का पेस्ट कैसे तैयार किया आपने? ये सर इसमें मिक्सर में पीसा इसको चीज़ के साथ, चीज़ का इसको काजू को पहले थोड़ा गलाने के बाद, जी सर, मार दिया हमने थोड़ा जिंजर पेस्ट, गार्लिक जिंजर का पेस्ट, ग्रीन चिल्ली मिला दी, थोड़ा सा जिंजर मिला दिया, थोड़ा कोरिएंडर मिला दिया, थोड़ा कस्तूरी मेथी, थोड़ा हमने जो ब्राउन काजू था इसको जो मैरिनेशन कर दिया, मसाले हल्का सा नमक डाल दिया, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, थोड़ा गरम मसाला मिला दिया, थोड़े इसमें गरम मसाला डाल दिया, वो सॉरी सर ये जीरा पाउडर, जी इनका थोड़ा स्टफिंग डालना है इसके अंदर, पहले हम ग्रीन सॉस कर रहे हैं, सॉस तैयार किया इसके अंदर, ये फिर इसके अंदर स्टफिंग कर दिया सर, सब के अंदर थोड़ा, ये मेरी स्टफ करने के बाद, स्टफ करने के बाद इसको फिर इसमें मिलाएंगे, पहले हम थोड़ा मस्टर्ड ऑयल कलर निकाला, उसके लिए मस्टर्ड ऑयल और कश्मीरी मिर्ची। मस्टर्ड ऑयल डालने से क्या होता है टिक्के में, हर टिक्के में डलता है इसलिए इसमें थोड़ा कलर निकल जाए, क्योंकि कलर यूज नहीं करते हम तो इसमें। नींबू भी डालेगा जी, थोड़ा जीरे थोड़ा कम तेज और डाल दिया, इसमें मैरिनेशन कर दिया पनीर को, इसमें मैरिनेट करेंगे अच्छे से इसको, सब स्टफिंग नहीं करना चाहे तो ऐसे भी बना सकते पर नहीं सर, उसका स्टफिंग गुलजारी, फिर गुलजारी नहीं रहेगा, गुलजारी होगा ना इसका नाम, डाल दिया उसके लिए काटेंगे शिमला मिर्च, टमाटर, टमाटर उसको भी थोड़ा मैरिनेशन कर दिया, 15 रुपये लगाएंगे सर, एक एक करके पनीर, शिमला मिर्च, पनीर है शिमला, ये हो गया सर, इसके बाद से 15 रुपये डाल देंगे इसको,
अभी से पहले से घर में तंदूर में तंदूर के अंदर सीधा। कितनी देर के लिए रखेंगे तंदूर में सर? 5-10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट में कुरकुरा होने तक रखेंगे जी सर। थोड़ा हल्का सा हम बटर मारेंगे, बटर लगाएंगे, इससे पनीर टिक्का अपनी खुशबू फैलाएगा जी। अगर घर में तंदूर नहीं है तो उसके लिए फिर माइक्रोवेव ओवन या फिर गैस के ओवन में इसे बना सकते हैं। गुलजारी टिक्का लगभग तैयार हो चुका है, अब हम सीधा सर्व करेंगे। लेटर में रख दीजिए उसको। इसको बटर पॉलिश करेंगे। चाट मसाला जी थोड़ा धनिया डाल दो, थोड़ा गार्निशिंग के लिए। पनीर गुलजारी टिक्का तैयार हो गया, फिर उसको हम अंदर सर्व करेंगे रेस्टोरेंट में। धन्यवाद, थैंक यू सर।